हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कमलेश रंजन। आपका अपना यूट्यूब चैनल आईआईटी वाला पे फिर से स्वागत करता हूँ। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो मैं पहले वीडियो में ये बताया है कि पॉलीनोमियल्स क्या है, व्हाट इज पॉलीनोमियल्स एंड पॉलीनोमियल्स की टाइप, तो मैंने अच्छी तरह समझाया है। यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियो को देख लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास जाए और वीडियो मिस ना हो। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं उस पॉलीनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, तो 2.1 का कुछ क्वेश्चन ये हैं। तो क्वेश्चन बताने से पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा, ठीक है, कि रफ्तार धीमी ही सही, रफ्तार धीमी ही सही, पर लक्ष्य को पाना जरूरी है। ठीक है, तो हम अपने लक्ष्य को जरूर पाएंगे, और उस लक्ष्य को पाने के लिए हम डेली बाय डेली अपना हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क भी करेंगे। तो आइए हम लोग अपना एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन है, 4x² - 3x + 7। ठीक है, और इस क्वेश्चन में पूछा है कि पॉलीनोमियल्स यस आर नो, यानी पॉलीनोमियल है या नहीं है, ठीक है, और उसके वेरिएबल्स कितने हैं। इस क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि वेरिएबल्स कितने हैं और वो पॉलीनोमियल्स है कि नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। बट क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ कि पॉलीनोमियल्स क्या है, आप समझ जाए। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेता हूँ आपके लिए, x² + 2। तो मैंने बताया था x क्या होता है, वेरिएबल्स होता है, वेरिएबल, एंड 2 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट। ठीक है, तो इस वेरिएबल की जो डिग्री है 2 है। तो मैंने बताया था डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल्स ऑफ वेरिएबल, जो डिग्री होगा आपका होल नंबर होगा, होल नंबर ओनली, क्या होता है, होल नंबर्स होने चाहिए। ठीक है ना, होल नंबर। अब होल नंबर्स क्या होता है, यदि मैंने बताया था होल नंबर्स क्या होगा, 0, 1, 2, 3 डॉलर। ठीक है, यानी ऑल काउंटिंग नंबर्स साथ में आपका 0। ठीक है, ये होल नंबर्स होंगे, और जो वेरिएबल्स होंगे उनकी डिग्री आपका 0 भी हो सकता है, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आपका डिग्री होगा, तो भी आप उसको पॉलीनोमियल्स कहोगे। ठीक है ना, एग्जांपल से जो मैं ओनली x पावर 3 लेता हूं, ये भी आपका पॉलीनोमियल्स है। ठीक है ना, मैं आपको बताऊं एक और, x² - 5, ये पॉलीनोमियल्स नहीं है, बिकॉज x² - 5 यानी कि जो x जो पावर है, डिग्री है, वो क्या है, -5 है, और हमने बताया आपको कि माइनस में नहीं होना, ओनली होल नंबर्स होगा। ठीक है ना, तो ये आपका माइनस में है, यानी कि निगेटिव इंटीजर्स है। ठीक है, जो वेरिएबल्स की डिग्री है वो निगेटिव इंटीजर्स नहीं होना। ठीक है ना, राइट। तो आइए हम क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है 4x² - 3x + 7। ठीक है, 4x² - 3x + 7, तो ये आपका पॉलीनोमियल्स है। ठीक है ना, देखो ये x वेरिएबल्स हैं, ये भी x वेरिएबल्स हैं, तो इस वेरिएबल्स के जो डिग्री है 2 है, डिग्री क्या है, 2 है। ठीक है, एंड x की डिग्री 1 है, तो ये आपका होल नंबर्स है कि नहीं, जब होल नंबर्स है तो ये आपका पॉलीनोमियल्स है। एंड इसके वेरिएबल्स कितने हैं, तो x है, सेम वेरिएबल्स है, तो आप बोलोगे 1 वेरिएबल्स। ठीक है, 1 वेरिएबल्स, राइट। तो इसका आंसर होगा ये पॉलीनोमियल्स, यस। सेकंड, y² + √2, राइट। तो y² + √2, तो y² आपका y वेरिएबल्स है, डिग्री +2 है, ये भी आपका पॉलीनोमियल्स है। ठीक है ना,
यस पॉलीनोमियल सर राइट। थ्री अंडर रूट टी प्लस टी अंडर रूट टू। तो आप देखो ये बताओ कि पॉलीनोमियल्स यस और नो, ठीक है। तो आप देखो जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल क्या है आपके इसमें टी राइट, और टी की डिग्री क्या होगी इसको हम देखते हैं, ठीक है। तो थ्री इंटू टी टू द पावर, देखो जब अंडर रूट है इसका जो पावर होगा आपका वन बाई टू, तो टी टू दी थ्री इंटू टी टू दी पावर वन बाई टू प्लस टी इंटू अंडर रूट टू। तो आप देखो यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं इनके जो पावर है वो वन बाई टू है राइट। तो वन बाई टू होल नंबर्स नहीं है, नॉट होल नंबर्स, तो आपका ये जो पॉलीनोमियल्स है ये नॉट होगा, ठीक है, नॉट पॉलीनोमियल्स, पॉलीनोमियल्स नहीं है, बिकॉज टी टू द पावर माइनस वन बाई टू यानी जो टी की डिग्री है वो वन बाई टू है, ठीक है। यहाँ पे टी की डिग्री वन है, बट यहाँ पे क्या आपका टी की जो डिग्री है पावर है वन बाई टू है, तो ये आपका पॉलीनोमियल्स नहीं होगा, ठीक है ना। कोफिशियंट ऑफ टी, इस जो टी का कोफिशियंट है वो थ्री है, ठीक है, और यहाँ पे टी का कोफिशियंट अंडर रूट टू है, ठीक है ना। कोफिशियंट टर्म्स ये सब मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया है, आप वीडियो नहीं देखें तो आप प्ले लिस्ट जाकर तो वीडियो को देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर, y प्लस टू अपॉन y राइट। अब देखो y की पावर क्या है आपका, यानी कि आपको y प्लस टू इंटू वाई टू की पावर माइनस वन, आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं, ठीक है, राइट कर सकते हैं। तो आप देखो वाई टू दी पावर क्या है वन है इंटू प्लस सॉरी प्लस टू इंटू वाई टू पावर माइनस वन है। अब यहाँ पे देखो ये जो हमारा वेरिएबल्स है इस वेरिएबल्स जो डिग्री है माइनस वन है, होल नंबर्स नहीं है, तो आपका ये जो होगा आपका पॉलीनोमियल्स नहीं होगा, ठीक है ना, पॉलीनोमियल्स नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x टू द पावर 10 प्लस y टू द पावर 3 प्लस t टू द पावर 50, ठीक है। तो आप देखो यहां पे x टू द पावर 10 है और y टू द पावर 3 है एंड t टू द पावर 50 है, ठीक है। तो यहां पे वेरिएबल्स ये भी x भी है, यहां पे वेरिएबल्स y है और यहां पे वेरिएबल्स t है, ठीक है, और इसके जो पावर है डिग्री है 10 है 3 है 50 है, ठीक। तो ये तो आपका पॉलीनोमियल्स है बिकॉज डिग्री ऑफ होल नंबर्स, बिकॉज डिग्री ऑफ होल नंबर्स यानी कि जो वेरिएबल्स की डिग्री है होल नंबर्स है 10 है, फिर y की जो डिग्री 3 है, t का डिग्री 50 है, ठीक है। तो ये आपका पॉलीनोमियल्स यस। एंड अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि वेरिएबल्स कितने हैं, देखो x अलग है y अलग है t अलग है, ये थ्री वेरिएबल्स होंगे, ठीक है, ये थ्री वेरिएबल्स होंगे राइट। अब डिग्री पूछे तो इसका डिग्री आपका 10, इसका डिग्री 3, इसका डिग्री 50। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 2 प्लस h टू द पावर 2 प्लस x, ठीक है, और क्वेश्चन पूछा है आपका कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, क्वेश्चन में है ये कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का पूछ रहा है, ठीक है। तो सेकंड में आपका है 2 प्लस h टू द पावर 2 प्लस x, तो क्वेश्चन पूछा है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछ रहा है। तो अब x में जो मल्टीपल है वो साइलेंट है, हम 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आप
इसको भी ऐसे लाइक करो, 2 + 1 × x² + x, तो आपका x स्क्वायर का क्वेश्चन है, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो आपका 1 होगा, ठीक है, तो यहां पर आंसर 1 हो जाएगा, राइट, ओनली x स्क्वायर का पूछ रहा है, ठीक है, x का नहीं पूछा है, ठीक है, तो जो x स्क्वायर का है तो उसका कोफिशिएंट 1 होगा, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 − x² + x³, तो देखिए सेम क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि सेम जो पहला है उससे x स्क्वायर का पूछा है, तो आप इसको होमवर्क में सॉल्व करोगे, राइट, क्वेश्चन नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको हम क्वेश्चन को बताएंगे, ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है π/2 x² + x, ये भी सेम क्वेश्चन है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो इसका कोफिशिएंट आपका यही होगा, ठीक है ना, ये भी सेम क्वेश्चन है, देखो x स्क्वायर है तो इसका जो मल्टीप्लाई है π/2 से, तो आपका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है ना, नेक्स्ट है √2 x - 1, √2 x - 1, अब आपको इसमें यह बताना है कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ठीक है, तो आप देखो यहां पे x स्क्वायर दिखा नहीं आपको, है ना, तो आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हो 0 × x² + √2 x - 1, आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं, ठीक है, तो आप देखो 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक, तो 0 + √2 x - 1, तो 0 की वैल्यू क्या कुछ नहीं, तो आप फिर ऐसे लिखो यानी √2 x - 1, देखो आपका फिर वही आया है कि नहीं, तो आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, ठीक है, तो नाउ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा 0, ठीक है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 0, ठीक है, तो आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा, यदि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और जो क्वेश्चन समझ में नहीं है आप क्वेश्चन को लिखिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन को समझाएंगे, ओके, थैंक यू।